अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पुणे के वार्षिक समारोह में महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री, पुणे के पालक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी, लोकसभा में मेरे सहयोगी वरिष्ठ सांसद जिनका संगठन में एक लंबा अनुभव रहा है, संसदीय कार्य में भी जिनका एक लंबा अनुभव है, श्री गजानन कीर्तिकर जी, अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल कृष्ण गर्ग जी, प्रदेश अध्यक्ष अनूप गोयल जी, ईश्वर गोयल जी, श्रीमती पद्मनी कोलेपुर और सभी मंच पर विराजे अतिथिगण, अग्रसेन महाराज के विचारों, उनके दिए गए संस्कार में जन्मे सभी अग्रबंधुओं, माता और बहनों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने आज इस वार्षिक अधिवेशन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर, कुछ समाज के सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए अग्रसेन महाराज जी के दिए गए संस्कार, सबकी सेवा, सेवा समर्पण त्याग की भावना से सभी समाजों के जीवन में आर्थिक और परिवर्तन करने के लिए आप दो दिन तक लंबी चर्चा संवाद करेंगे। कुछ विषयों पर आप निर्णय लेंगे, संकल्प लेंगे और किस तरीके से जो संकल्प हमने लिए हैं उन संकल्पों को पूरा करने के लिए संपूर्ण समाज संगठित होकर काम करें। पूना की ये धरती बड़ी ऐतिहासिक धरती है। महाराजा छत्रपति शिवाजी की धरती, इस धरती का इतिहास स्वतंत्रता सेनानियों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर, महादेव गोविंद सिंह रांडे, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा फूले जैसे तमाम एक वह धरती है जिसने आजादी के पहले भी एक लंबा आंदोलन किया, आंदोलन के लिए समाज को प्रेरणा दी और उसके बाद देश में उनके विचारों से आर्थिक सामाजिक सुधार में नई दिशा बनी है। पूना शहर देश का वह शहर है जहां देश भर का विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आता है, संस्कार प्राप्त करने आता है, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे स्कूल शिक्षा हो, लौकिक क्लास हो, औद्योगिक रूप से भी इस शहर की एक अपनी पहचान है और इसीलिए अग्रवाल समाज की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम पूना के अंदर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर
हमारे पूर्वजों ने भी इसी तरीके से शिक्षा, चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रकल्पों पर बहुत कार्य किया, क्योंकि अग्रवाल समाज एक परिश्रमी, कठोर और संस्कारी समाज है जिसने अपनी एक पहचान बनाई। महाराजा अग्रसेन जी ने उस समय के शासन पद्धति के अंदर जब युद्ध हुआ करते थे, हिंसा थी, राजा आपस में लड़ते थे, पशुओं का वध, पशुओं की बलि होती थी, एक नया दिशा शासन की दी, एक ऐसा शासन चलाया जो उस समय की परिस्थितियों से अलग था, जहां न हिंसा थी न युद्ध था, जहां पर राज में आने वाले हर व्यक्ति को एक रुपया एक ईंट, मतलब निर्माण भी करे, जो बाहर से आने वाले व्यक्ति को व्यापार के लिए सहयोग शासन करे, अच्छे संस्कार हो, सामूहिकता के साथ शासन पद्धति चले, लोकतंत्र के माध्यम से शासन की पद्धति चले, जनता के परोपकार और उनकी कल्याण के लिए शासन चले, उस समय उनका विचार था। और आज 5000 वर्ष बाद भी हम अगर भगवान अग्रसेन जी के विचारों को पढ़ते हैं, उनके सिद्धांतों को समझते हैं, उनके दिए गए शासन पद्धति को समझते हैं, तो क्योंकि अग्रसेन महाराज के वंशज होने के कारण हमें भी उसी तरीके का शासन प्रशासन और जनता के नुमाइंदों की तरह काम करने की आवश्यकता है। और इसीलिए उनके शासन के इस बदलाव के कारण उस समय के अंदर एक नई दिशा देने का अग्रसेन महाराज जी ने काम किया। और उसी कारण से जब राजाओं के राज के बाद जब अंग्रेजों का शासन आया, तो अंग्रेजों के शासन के अंदर भी अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा आजादी की लड़ाई के। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को आप देखेंगे, कितने स्वतंत्रता सेनानी हुए जो समाज में व्यापार करते थे, उद्योग करते थे, सामाजिक सेवा में काम करते थे, लेकिन उन्होंने उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू किया, अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी, और जो लड़ाई लड़ने वाले नायक थे उन नायकों को धन से, मन से और जनता के साथ सहयोग करने के अंदर काम किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई व्यापारी जन आंदोलन में खड़ा हो सकता है, लेकिन उस समय जब कोई को पता ना था कि अंग्रेजों का शासन जाएगा न जाएगा, लेकिन व्यापार उद्योगपति भी उन आजादी के आंदोलन करने वालों के साथ खड़े रहे और खुद ने आजादी के आंदोलन की लड़ाई भी लड़ी। इसलिए अग्रवाल समाज का एक बहुत बड़ा योगदान इस समाज में है। और आजादी के बाद देश के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के अंदर
अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। आप हिंदुस्तान के किसी गांव ढाणी में चले जाओ, अगर 10 घर भी होंगे तो आपको अग्रवाल धर्मशाला मिलेगी, विद्यालय मिलेंगे, चिकित्सा केंद्र मिलेंगे, अन्न भंडार चलाएगा, कोई प्याव चलाएगा। उस समय धर्मशाला बनाने का मकसद यह था कि राहगीर जब गांव से आता तो रात को कहां ठहरे, उसके लिए धर्मशाला हुआ करती थी। क्योंकि सरकार के पास इतना धन नहीं था, इसलिए समाज ने कुछ मिलकर शिक्षा के मंदिर चलाए, महाविद्यालय चलाए। अभी मैं पूना के अंदर एक महाविद्यालय से आ रहा हूं, 1984 के अंदर दो लोगों ने मिलकर एक छोटा पौधा लगाया, आज वटवृक्ष बन गया। ऐसे कितने ही विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, टेक्निकल कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, विद्यालय हैं, धर्मशालाएं हैं, भवन हैं, ये सब समाज के सामूहिक सहयोग से, सरकार के बिना सहयोग के एक शिक्षा के मंदिर चलाकर उस समय शिक्षा देना, शिक्षा से जीवन को परिवर्तन करना और शिक्षा के माध्यम से आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरणा देना, ये काम भी अग्रवाल समाज ने किया। और इसके लिए उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। और उसके बाद जो अग्रवाल समाज का जो विचार था, हमेशा उद्योग व्यापार करना, अस्पताल खोलना, वो आज भी 75 साल की इस लोकतंत्र की यात्रा के अंदर भी मुझे कई लोग मिलते हैं। दिल्ली के अंदर हम 400 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, 300 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं, 400 बेड का भवन बना रहे हैं, विद्यालय बना रहे हैं, महाविद्यालय बना रहे हैं। आजादी के 75 साल के बाद भी वही विचार है, वही संस्कार है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का इलाज कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कैंसर हॉस्पिटल बनाना, हॉस्पिटल बनाना। जो धन कमाया है समाज से, उसको समाज को समर्पण करना, समाज को देना, ये विचार कहीं आए तो अग्रसेन महाराज जी की कृपा से विचार आए। और इसीलिए केवल उद्योग व्यापार खुद नहीं चलाते, उद्योग व्यापार में लोगों को रोजगार देते हैं, रोजगार के संकट को समाधान करना, रोज के संकट को कम करने में अगर कहीं योगदान है तो अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान है। कोई इंडस्ट्री चलाता है तो वहां 1000 लोग काम करते हैं, 2000 काम करते हैं, 100-200 व्यापारी है तो दुकानदार, जैसे उन्होंने कहा किराने की दुकान पर 5 आदमी करते हैं। जहां कहीं भी रोजगार देकर इस भारत के 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर आर्थिक तंत्र को सशक्त मजबूत करने के अंदर अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया आर्थिक डेस्टिनेशन के रूप में भारत है। हमारे प्रधानमंत्री जी का नया सोच, नया विचार, नया चिंतन, हमारे नौजवानों को काम करने के लिए स्टार्टअप के साथ कई योजनाएं, नए रिसर्च, नए इनोवेशन, नए स्टार्टअप, ऐसे बहुत सारी योजनाएं चलाकर किस तरीके से हम दुनिया के विकसित राष्ट्रों से भी आगे बढ़े, इसके लिए एक सरकार ने व्यापक कार्य योजना नेटवर्क बनाया है। और उस व्यापक कार्य योजना नेटवर्क में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। हमें विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत बनाने का सपना कब पूरा होगा? विकसित बनाने का सपना, जैसे आजादी की लड़ाई लड़ने ने सपना देखा था कि हम आजादी प्राप्त करेंगे, आजादी के 75 साल बाद इस पीढ़ी को जिम्मेदारी है कि हमारी पीढ़ी ने, हमारी विरासत ने जो संस्कृति दिए, संस्कार दिए, जिस आत्मविश्वास लक्ष्य से काम किया,
हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी आंखों के सामने भारत को विकसित राष्ट्र बनाए, दुनिया का सबसे अग्रिम पंक्ति का देश बनाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस सब जिम्मेदारी को हमें पूरा करना है। हम समाज को संगठित किस लिए करते हैं? हम समाज को संगठित करते हैं सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उनके आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। कई धर्मशाला बनती, स्कूल बनता, अस्पताल बनता है, तो केवल अग्रवाल समाज के काम नहीं आता। अग्रवाल समाज विद्यालय बनाएगा तो गरीब से गरीब बच्चा उसमें पढ़ेगा, अस्पताल होगा तो गरीब का इलाज होगा, धर्मशाला होगी तो उसमें ठहरेगा, भवन हो तो शादी उसमें होगी। हम तो सब कुछ ही समाज के लिए है जी, और ये मानकर ही चलना चाहिए कि भगवान अग्रसेन की संतान है तो हमें यही संस्कार है जो कुछ भी समाज का है और हमें करना है, ये हमारा लक्ष्य है। हम ही परिवर्तन करेंगे। हम आर्थिक रूप से भी भारत को सशक्त मजबूत बनाने का काम करेंगे, सामाजिक जीवन के अंदर परिवर्तन करने का काम करेंगे, और जो कुछ भी सामाजिक बुराइयां हैं उस बुराइयों को समाप्त करने का नेतृत्व भी अग्रवाल समाज करेगा। इसलिए आपने 15 सिद्धांतों पर विचार बनाया है और उससे और समाज में भी विचार जाएगा कि अग्रवाल समाज ने कुछ लक्ष्य बनाकर, कुछ संकल्प बनाकर काम किया है, हमें भी इस लक्ष्यों की ओर काम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से समाजों को दिशा देना, उनको प्रेरणा देना अग्रवाल समाज की जिम्मेदारी है और हमें निभाना चाहिए। और हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर मैं देखता हूं कि अग्रवाल समाज कहीं ना कहीं, चाहे कोविड हो, कोई भी आपदा हो, कोई भी संकट हो, देश के किसी भी हिस्से में हो, देश के बाहर के हिस्से में हो, कोई किसी से नहीं कहता, जब भी आपदा और संकट आता है तो अग्रवाल समाज का जवान, उद्योगपति, व्यापारी, जो जिसके पास जो कुछ भी धन का संचय है, वह आपदा संकट के लोगों के लिए खड़ा रहता है। ये हमारे संस्कार है, और ये संस्कार हमारे नहीं, ये संस्कार हमारे पूर्वजों के हैं। हमारी विरासत को हमें संरक्षित रखना, हमारी विरासत को आगे बढ़ाना, हमारी एक अच्छी विरासत रही, अच्छी संस्कृति रही, अच्छे संस्कार हैं, उस अच्छी संस्कृति, अच्छे संस्कार, उसकी विरासत को ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। यही हमारे संकल्प है। और ये अधिवेशन के अंदर, दो दिन के अंदर, हम किस तरीके से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में और आर्थिक सामाजिक जीवन परिवर्तन करने में अग्रवाल समाज का क्या योगदान हो सकता है, इसके लिए मंथन विचार करेंगे। लोकतंत्र हमारी पद्धति है, हमारी जीवन शैली है, लोकतंत्र हमारा प्राचीनतम कार्यशैली है, चर्चा करना, संवाद करना और उसके बाद सामूहिक निर्णय करके उसके संकल्प को पूरा करना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल सेन भगवान की जय।